हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं जी? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और हैप्पी होंगे। तो चलिए आज आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में। और मैंने यहाँ पे अंगूर ले लिए हैं, उनको छोटा छोटा करके काट लेंगे। और साथ में चीकू मैंने लिया है, उसको भी मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीसीज में। आपके पास जो भी फ्रूट रखा हो घर पे वो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपका फेवरेट फ्रूट हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास फ़िलहाल चीकू और अंगूर और बीट रूट रखा हुआ था, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और एक खरबूजा भी रखा हुआ था, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी। सबको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था, हो सके जितना छोटा पीस काटे तो अच्छा रहेगा। तो ये छोटा सा खरबूजा रखा हुआ था, इसको भी मैंने हाफ ले लिया था। और जितने ज़्यादा इसमें फ्रूट होंगे ना उतना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो फटाफट से सारे फ्रूट्स को अच्छे से काट लेते हैं, एकदम बढ़िया से छोटे छोटे पीसीज में। तो जो भी मेरे पास घर पे फ्रूट रखे हुए थे उन सबको मैंने ये देखिए अलग अलग काट के रख लिया है। और ये मेरे पास एक क्रीम रखी हुई थी, अमूल की क्रीम आती है मार्केट में, बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर ये नहीं हो तो घर पे जो क्रीम होती है ना दूध की, वो भी आप ले सकते हो। बस इसको हल्का सा फैट लेंगे, अंदर ही मिक्स कर लेंगे और इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे हम लोग। इसके अंदर चाहो तो घर की मलाई भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। बस इसको हमें हल्का सा फैटना है ताकि एकदम गाढ़ी सी हो जाए, मतलब एकदम से इसका गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्सचर हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम से हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी, जितनी आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लो। और ये देखिए एकदम से इसमें ना गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है, इस तरह से ये एकदम लाइट वेट हो जाएगी, बहुत अच्छी लगती है इस तरह से खाने में। और अब जब भी मैंने फ्रूट काट के रखे थे इनको मैं एक साथ सबको मिला के एक बॉल में डाल दूँगी। चाहो तो आप थोड़े से अलग से रख सकते हो ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए। और सारे फ्रूट मैंने देखिए इसमें ऐड कर दिए हैं। और बीट रूट से ये होता है कि बहुत अच्छा कलर आ जाता है, एकदम पिंकिश पिंकिश सा कलर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और वैसे भी इसको कच्चा तो खाया जाता है आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और कलर तो आपको जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा लगता है इसका खाने में। बस इनको सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। और जो मैंने क्रीम फैट के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तैयार हो जाएगा हमारा अच्छा सा एक क्रीम फ्रूट वाला। मतलब इसको खा के बहुत अच्छा लगा था। अब इसको थोड़ी देर ना फ्रिज में रख दूँगी तो ये और अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इसको मैं अभी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। और बहुत अच्छा लगा था खाने में, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो लंच में बनाया था बैंगन का भरता जो कि बहुत टेस्टी लगा था। बैंगनों को मैंने यहाँ पे रख दिया है भुनने के लिए। और रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर किया तो इसलिए नहीं किया आज आपके साथ। और उसके बाद फिर डेजी को शावर दिया था, जो कि मतलब थोड़ा मुश्किल वाला काम है लेकिन चलिए करना भी बहुत ज़रूरी होता है, हफ्ते में एक बार तो इसको शावर देना ही होता है। और वैसे तो बड़े आराम से बैठ के नहा लेती है ये, आज जो है हस्बैंड इसको शावर दे रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं होती है। लेकिन शुरू शुरू में इसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, तो बाहर ना बैक साइड में जो एरिया है वहाँ पे इसको आराम से नहला देते हैं हम लोग। तो ये सारे काम हमने दोपहर में किए थे। और लंच तो मैंने जैसे आपको बताया बैंगन का भरता रोटी बनाई थी, और बाकी के जो घर के काम होते हैं वो सब किए। और चलिए इसके बाद फिर हमने लंच वगैरह किया, खाना खाया। और अभी ना शाम का टाइम हो गया है तो ऐसे हल्की फुल्की सी भूख लग जाती है ना, उसके लिए एक बढ़िया सा स्नैक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बहुत अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था। और मैंने यहाँ पे टमाटर तो दो लिए थे लेकिन मैंने यूज़ तो एक ही किया था। टमाटर भी जितना हो सके उतना बारीक काटें, बहुत अच्छा लगता है इसमें टमाटर। और प्याज दो मैंने हरी मिर्ची लिया है, इनको भी जितना हो सके उतना बारीक करके काट लें। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बारीक काटना है, जितना आपसे बारीक कट सके उतना ज़्यादा आप बारीक काट लीजिए। ये देखिए मैंने टमाटर को भी बहुत अच्छे से बिल्कुल छोटा छोटा, और हरा धनिया इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एकदम बारीक बारीक करके काट लिया था।
तो ये देखिए मैंने धनिया भी बहुत अच्छे से एकदम बारीक काट लिया है और प्याज और टमाटर को मैंने एक बॉल के अंदर मिक्स कर दिया यहाँ पे अच्छी तरह से। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची का पाउडर वो भी ऐड किया था। और धनिए को काटने के बाद मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, नहीं तो ये काला हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। उसका भी अच्छे से पानी निकाल के मैंने जो प्याज और टमाटर काटे थे उसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने एक रोटी अच्छी से बेल लिया, हल्की सी मोटी रखेंगे, ज़्यादा पतली भी नहीं। और उसकी एक साइड मैंने लगा दिया था पानी और उसको जो पानी वाली साइड है वो हम तवे के ऊपर डाल देंगे। और ऊपर की साइड जो हम बिल्कुल भी तेल भी नहीं लगाएंगे, इस पर घी भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ड्राई रखेंगे। और जो प्याज टमाटर हरी मिर्ची और काली मिर्ची डाल के मैंने जो एक बैटर तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से डालेंगे। और इसको हल्का हल्का ना हम दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए, हाथ से दबाएंगे तो बहुत अच्छे से ये लग जाएगा ऊपर और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। थोड़ा बहुत गिरता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन ये चिपक जाता है बहुत जल्दी से। और हम इसको जो है मीडियम गैस पे बनाएंगे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करेंगे। बस इसको देखिए इस तरह से ना हल्का हल्का और प्रेस कर दूंगी मैं, बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। और ये जब अच्छे से सिक जाए तो हम तवे को उल्टा कर देंगे इस तरह से और ऊपर की साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। बस ध्यान रखें इस पर घी या तेल का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। बस इस तरह से देखिए उल्टा करके हम इसको पूरा अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि ऊपर की साइड से भी पक जाए। और बहुत यम्मी लगा था खाने में, इतने टेस्टी लग रहे थे ना ये, एकदम ना प्योर नान जैसा टेस्ट आ रहा था। जैसे हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो वहाँ पे जब नान मिलती है ना तो उसी तरह से एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आ रहा था। ऊपर से हल्का हल्का जो है जला हुआ, मतलब इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा लगता है। बस इसको ना इस तरह से हम अच्छी तरह से घुमा घुमा के पूरा सेक लेंगे। बहुत मज़ा आया था खाने में, इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रही थी इसकी, जब ये बन रहे थे ना बहुत यम्मी लग रहे थे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आटा लिया है, जो गेहूँ का आटा होता है ना वो वाला यूज़ किया। अगर आपको मैदा पसंद हो तो आप मैदा गूंद के उसकी रोटी बना सकते हो। बस ये देखिए फटाफट से इसको मैं छुड़ा लूँगी और इसको मैं कर दूँगी सर्व। मक्खन के साथ खाएंगे तो और भी अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी नान, सिंपल सी, और मैंने इसके ऊपर मक्खन डाल दिया। घर पे मक्खन था तो मैंने वही यूज़ किया। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सफ़ेद वाला मक्खन जो होता है ना घर का बना हुआ, भी बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ। तो चलिए करवाते हैं हस्बैंड को टेस्ट और देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है, क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा था खाने में। वैसे तो बहुत क्रंची था क्योंकि मैंने भी खा के देखा था, मुझे भी बहुत मज़ा आया था। तो चलिए फटाफट से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। उसी तरह से मैंने आटे की एक रोटी बना ली है, बड़ी सी बनाएंगे, थोड़ा लंबा करके बेलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे भी मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है हाथ से और इसके ऊपर वही टमाटर और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और काली मिर्ची, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके जो रखा था मैंने वो सब इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से और इसको दबा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए ये। और इतनी अच्छी रेसिपी है ना, झटपट से बन जाती है और एकदम ना बहुत बढ़िया सा स्नैक्स है। शाम के टाइम पे खाइए, आप सुबह नाश्ते में बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में और झटपट से बन जाता है। प्याज टमाटर काटने में भी कोई झंझट नहीं होता है तो जल्दी से बन जाता है। बस ये अगर आपको मैदे का पसंद है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने सिंपल आटे का बनाया था तो ये देखिए दूसरी वाली मैंने बना ली है। अब इसको भी मैं झटपट से ऊपर से सेक दूँगी। बस इस तरह से ना हल्का हल्का घुमा घुमा के इसको सेकना है ताकि एक जगह से जले नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि बनने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इसकी, ये देखिए दूसरी भी मेरी बनके तैयार हो गई है, बढ़िया सी नान। और इसके ऊपर भी मैं वाइट वाला बटर डालूंगी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। ये वाली मैं खाऊंगी मैंने अपने लिए बनाई है, पहले तो हस्बैंड ने खा ली, कहते हैं बस एक और बना देना मेरे लिए बहुत हो जाएगा। और ये शाम का टाइम है तो इतनी भूख भी नहीं होती है, बस एक दो से ही काम चल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने खूब सारा इसके ऊपर बटर डाला है तो चलिए मैं करके देखती हूँ टेस्ट कैसा है।
हस्बैंड ने तो वैसे पास कर दिया था, उनको तो बहुत अच्छी लगी है, कहते हैं फिर से बना देना किसी दिन, बहुत अच्छा लगा था। तो नेक्स्ट टाइम देखूंगी, अगर मैदे से बनाऊंगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इस बार तो मैंने आटे से ही बनाया है, सिंपल गेहूं का जो आटा होता है उसके साथ, और डेजी को भी बटर की इतनी खुशबू आ रही थी, वो भी मेरे पास आके खड़ी हो जा रही थी। डेजी नहीं खाती मक्खन। डेजी छुप छुप के सब खा रहे हैं, तेरे को नहीं दे रहे हैं। ऐसे लेते हैं फिर ऐसे खा लेते हैं। डेजी कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? आ जा मैं देता हूँ, आ जा। तो मेरा प्लान है मक्खन वाला, वाइट मक्खन। ऐसे ऐसे क्या? तो चलिए मैं करती हूँ अपनी नान को एंजॉय, और आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। इसके बाद शाम को हम लोग गए थे फिर घूमने के लिए, तो बाहर जाके भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब एकदम ना मूड जो है बहुत फ्रेश हो जाता है। ये देखिए बाहर लाइटें इतनी ज़्यादा होती हैं, रोड पे गाड़ियाँ होती हैं, मूड बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाता है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में भी आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी, और क्या क्या करूंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।